जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट के ग्रुप सी एंड ग्रुप डी के जो है वो अलग अलग पोस्ट पर वैकेंसी जो है वो आ गया है, जिसका नोटिफिकेशन आउट हो गया है दोस्तों। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो है इस वैकेंसी के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे दोस्तों। तो बने रहिएगा आप लोग वीडियो के अंत तक दोस्तों, और वीडियो दोस्तों बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो आप लोग वीडियो को जो है वो अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, आइए बिना लेट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग टोटल पोस्ट की बात कर लेते हैं, तो टोटल पोस्ट जो है वो 3932 टोटल पोस्ट निकल करके सामने आ रही है दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं। और अप्लाई डेट की अगर हम लोग बात करेंगे, तो 30 अक्टूबर से फॉर्म जो है वो भरना स्टार्ट होगा दोस्तों। 30 अक्टूबर से लेकर के 13 नवंबर तक जो है वो फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है ना। 13 नवंबर लास्ट डेट है दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं। और उसके बाद दोस्तों, अगर हम लोग बात कर लेते हैं करेक्शन डेट की, अगर मान लीजिए फॉर्म फिल करते समय अगर कुछ मिस्टेक हो गया, कुछ गलत आपने फिल कर दिया हो, तो उसमें क्या है कि आप करेक्शन भी कर सकते हैं। 15 और 16 नवंबर को जो है वो दो दिन जो है वो करेक्शन डेट रखा गया है, ठीक है ना। फीस की बात कर लेते हैं, इससे पहले हम आपको बता दे रहे हैं कि अलग अलग पोस्ट के लिए जो है वो आपको अलग अलग फीस जो है वो पे करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जैसे कि अगर मान लीजिए आप स्टेनोग्राफर के पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, तो उसमें जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के जो छात्र हैं उनके लिए 1000 रुपये का पेमेंट जो है वो देना पड़ेगा, और वहीं पर एससी एसटी जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 800 रुपये का पेमेंट देना पड़ेगा, ठीक है ना दोस्तों। और वहीं दोस्तों, आगे हम लोग बात कर लेते हैं जूनियर असिस्टेंट के पोस्ट पर, अगर मान लीजिए आप लोग अप्लाई करते हैं, तो उसमें जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के जो छात्र हैं उनके लिए 800 रुपये का पेमेंट देना पड़ेगा, और वहीं पर दोस्तों एससी एसटी और कैंडिडेट के लिए जो है वो 650 रुपये का पेमेंट देना पड़ेगा, ठीक है ना। और अदर पोस्ट की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, अदर पोस्ट जैसे कि अदर पोस्ट में जैसे स्वीपर है, चौकीदार है, वॉचमैन है, माली है ना, और लिफ्टमैन है आदि, ये सब जो पोस्ट के लिए अगर मान लीजिए आप लोग फिल करते हैं, तो इसमें जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के जो बच्चे हैं उनके लिए दोस्तों 800 रुपये का फीस जो है वो देना पड़ेगा, और एससी एसटी कैंडिडेट के जो बच्चे हैं उनको दोस्तों 600 रुपये का फीस देना पड़ेगा, ठीक है ना दोस्तों। आइए आगे हम लोग समझ लेते हैं एज लिमिट के बारे में, कि एज लिमिट जो है वो कब से काउंट होगा। तो देखिए दोस्तों, अगर 1 जुलाई 2022 से जो है वो एज काउंट होगा, मिनिमम एज 18 साल मांगा गया है, और वहीं पर मैक्सिमम एज जो है दोस्तों वो 40 साल मांगा गया है, ठीक है ना। तो लगभग इतने में से जो है वो 99% बच्चों का जो है वो एज इसमें आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग जरूर जो है इस फॉर्म को फिल कीजिएगा दोस्तों, ठीक। 18 से 40 साल की उम्र के बीच में हो तो आप इस फॉर्म को जो है वो फिल कर सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। आइए आगे हम लोग बात कर लेते हैं ग्रुप डी के पोस्ट में जो है टोटल वैकेंसी कितनी है। ग्रुप डी को हम लोग चतुर्थ श्रेणी भी कहते हैं दोस्तों। तो इसमें ग्रुप डी की अगर हम लोग बात करेंगे, तो 1699 टोटल पोस्ट हैं दोस्तों, ठीक है ना। ग्रुप डी में टोटल 1699 पोस्ट हैं, और अलग अलग पोस्ट पर अलग अलग एलिजिबिलिटी दी गई है, ठीक है ना दोस्तों। तो हम आइए एक एक करके आपको जो है वो समझाते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर स्वीपर कम फ्रेशर की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, ये पोस्ट नेम है स्वीपर कम फ्रेशर, इसमें केवल एलिजिबिलिटी के तौर पे केवल 6वीं पास मांगा गया है दोस्तों, केवल 6 पास हैं आप, तो इस फॉर्म के लिए आप अप्लीकेबल हैं, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों प्यून है, ऑर्डिनरी है, चौकीदार है, वाटरमैन है, माली है, कूली है, स्वीपर है, लिफ्टमैन है ना, इन सब के लिए अगर मान लीजिए आप अगर फिल करते हैं, तो आप उनके लिए एलिजिबिलिटी जो है वो कक्षा 8 पास मांगा गया है, ठीक है। कक्षा 8 का जो आपके पास सर्टिफिकेट रिजल्ट जो है वो होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों प्रोसेस सर्वर की, तो उसके लिए जो है केवल हाई स्कूल पास सर्टिफिकेट आपके लिए होना चाहिए दोस्तों। ये पोस्ट का नाम है दोस्तों, अलग अलग पोस्ट का नाम मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। उसके लिए ये एलिजिबिलिटी है, तो हाई स्कूल पास अगर मान लीजिए आप हैं, तो आप प्रोसेस सर्वर के लिए जो है वो अप्लीकेबल है, इसका फॉर्म आप फिल कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं ट्यूबवेल ऑपरेटर कम टेक्नीशियन, दोस्तों इसके लिए जो है एलिजिबिलिटी के तौर पर कक्षा 8 पास मांगा गया है। जी हाँ दोस्तों, 8 पास होना चाहिए, और उसके अलावा जो है वो 1 साल का आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए दोस्तों किसी भी ट्रेड का, तब जा करके आप इस ट्यूबवेल ऑपरेटर के लिए जो है इस फॉर्म के लिए अप्लीकेबल माने जाएंगे, आप इस फॉर्म को फिल कर सकेंगे, ठीक है। कक्षा 8 का सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसके अलावा 1 साल का आपको आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो ये था ग्रुप डी का पोस्ट के बारे में, जो अलग अलग पोस्ट और उसके एलिजिबिलिटी के बारे में दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे दोस्तों। आइए आगे अब हम बात कर लेते हैं ग्रुप डी के सिलेबस के बारे में, पहले जान लेते हैं दोस्तों, ठीक है ना, कि ग्रुप डी का जो है वो जो पोस्ट जो मैंने बताया है कि 6वीं 8वीं और 10वीं लेवल पर जो है आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये अलग अलग जो है पोस्ट है, जैसे कि चौकीदार है, वाटरमैन है, माली है, कूली है, स्वीपर है ना, स्वीपर कम फ्रेशर है, अलग अलग पोस्ट पर आप लोग फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके लिए सिलेबस क्या रहेगा, तो आइए जान लेते हैं दोस्तों। ग्रुप डी की अगर हम लोग बात करेंगे, तो दो स्टेज
स्टेज में एग्जाम होगा। जी हाँ दोस्तों, दो स्टेज में एग्जाम होगा, पहले ये चीज़ आप समझ लीजिएगा, जिसमें कि देखिए दोस्तों 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 नंबर के रहेंगे, जिसके लिए 90 मिनट यानी कि डेढ़ घंटे का समय जो है वो निर्धारित किया गया है। दोस्तों अगर हिंदी की बात करेंगे तो 25 क्वेश्चन हिंदी से पूछा जाएगा, अंग्रेजी की बात करेंगे दोस्तों तो 25 क्वेश्चन अंग्रेजी से, मैथ से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जीएस से भी 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। यानी कि चार सब्जेक्ट हैं, चारों सब्जेक्ट से 25-25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसा कि जनरली पूछा जाता है दोस्तों। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं निगेटिव मार्किंग की दोस्तों, तो इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है ना। तो आप लोग जो है 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा, टोटल क्वेश्चन को जो है वो टच कीजिएगा, क्योंकि अगर मान लीजिए आप तुक्का भी मारते हैं लास्ट के 10 क्वेश्चन और उसमें से 2-4 क्वेश्चन अगर सही भी हो जाते हैं तो आपके नंबर इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन टच करना है दोस्तों। अगर वहीं स्टेज सेकेंड की बात कर लिया जाता है तो सेम एज स्टेज फर्स्ट, यानी कि जिस हिसाब से स्टेज फर्स्ट का जो है मैंने आपको सिलेबस बताया है और इस हिसाब से एग्जाम होगा, तो सेम एज स्टेज टू में भी इसी तरह इसके एग्जाम हो गया। अच्छा एक चीज और है दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि 1699 पोस्ट है ग्रुप डी के लिए, ठीक है ना, आप देख रहे हैं। और इसमें होगा ये कि ग्रुप डी का जब ये स्टेज टू का जब एग्जाम होगा दोस्तों, तो इसमें 5 गुना, कम से कम 5 गुना बच्चों को दोस्तों बुलाया जाएगा, यानी कि कम से कम लगभग ये 8500, इधर 1700 अप्रॉक्सीमेट मानिए इसको, तो लगभग 8500 छात्रों को दोस्तों ये सेकंड स्टेज के एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है ना। तो आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा दोस्तों और इसे जो है वो बीट कीजिएगा दोस्तों। आगे हम लोग बात कर लेते हैं ग्रुप सी के पोस्ट के बारे में, तो ग्रुप सी के पोस्ट की बात करेंगे दोस्तों तो 1047, जी हाँ दोस्तों 1047 टोटल पोस्ट है उसके लिए। देखिए दोस्तों अगर पोस्ट की हम लोग बात कर लेते हैं तो ड्राइवर के लिए 26 पोस्ट निकले हुए हैं और जूनियर असिस्टेंट की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो 819 पोस्ट है, ठीक है ना दोस्तों। दोस्तों अगर ड्राइवर के जो 26 पोस्ट निकले हैं, अगर इसकी एलिजिबिलिटी की हम लोग बात करेंगे तो केवल हाई स्कूल पास छात्र जो है वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और उसके अलावा देखिए दोस्तों, क्योंकि अगर मान लीजिए ड्राइवर है तो उसमें डीएल होना बहुत ही आवश्यक है, ठीक है ना, यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस होना आपके पास बहुत ही अनिवार्य है दोस्तों। और वो भी क्या कि 3 साल पुराना ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए दोस्तों, तब जा करके आप इस फॉर्म को जो है वो फिल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो बहुत ही मस्ट है दोस्तों। दोस्तों आगे हम लोग बात कर लेते हैं जूनियर असिस्टेंट में, दोस्तों 819 पोस्ट है जिसके लिए अगर एलिजिबिलिटी की अगर हम लोग बात किया जाए तो 10+2 यानी कि इंटर मांगा गया है जूनियर असिस्टेंट में। उसके अलावा जो है दोस्तों ट्रिपल सी का एग्जाम जो है आपको पास आउट होना, सर्टिफिकेट आपको होना चाहिए दोस्तों। और साथ में एलिजिबिलिटी के तौर पर हिंदी टाइपिंग आपसे मांगा जाएगा 25 वर्ड प्रति मिनट, और इंग्लिश की अगर हम लोग बात किया जाए तो 30 वर्ड प्रति मिनट जो है वो टाइपिंग भी मांगा जा रहा है, किसमें, जूनियर असिस्टेंट के पोस्ट पे। तो ये कुछ एलिजिबिलिटी दोस्तों आपके पास अगर होगी तब जा करके आप जो है वो फॉर्म को फिल कर सकेंगे दोस्तों। आइए आगे हम लोग बात कर लेते हैं ग्रुप सी के जो है वो सिलेबस के बारे में। पहले ड्राइवर स्टेज वन के एग्जाम में 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 नंबर के क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना, एक क्वेश्चन एक नंबर का होगा और 90 मिनट का समय दिया जाएगा आपको दोस्तों। और सेम एस ग्रुप बी, यानी कि जैसे हिंदी इंग्लिश मैथ जीएस से 25-25 क्वेश्चन पूछे गए हैं, वैसे ही जो है इसमें भी ग्रुप सी में भी आपसे जो है 25-25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। सेकेंड उसी तरह सेम एस सेकेंड, अगर मान लीजिए स्टेज सेकेंड की हम लोग बात करेंगे तो इसमें देखिए दोस्तों, क्योंकि जो ड्राइविंग के पोस्ट के लिए जो है अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए ड्राइविंग टेस्ट क्वालिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है ना। ये क्वालिफाई नेचर का होता है, ये स्टेज सेकंड में होगा, ठीक है ना। जब स्टेज फर्स्ट आप पास कर लेंगे उसके बाद स्टेज सेकंड में जो है वो ड्राइविंग टेस्ट आपको क्वालिफाई करना होगा, ठीक है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों जूनियर असिस्टेंट के बारे में, इसमें कि 819 पोस्ट है, तो उसमें अगर सिलेबस की हम लोग बात किया जाए तो स्टेज फर्स्ट में 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 नंबर के, 90 मिनट का समय दिया जाएगा आपको। और उसके बाद दोस्तों सिलेबस की अगर हम लोग बात करेंगे तो जो है वो सेम एस ग्रुप डी, यानी कि जिस तरह ग्रुप डी का आप सिलेबस समझे हैं इसका एग्जाम देंगे, सेम उसी तरह इसमें भी आपका 25-25 क्वेश्चन जो है चारों सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, ठीक है ना, हिंदी इंग्लिश मैथ और जीएस से, ठीक है दोस्तों। वही स्टेज अगर सेकंड की हम लोग बात करेंगे तो टाइपिंग टेस्ट इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, टाइपिंग टेस्ट अब उसमें हिंदी और अंग्रेजी से है ना जो टाइपिंग टेस्ट मांगा गया है वो 25-25 नंबर के होंगे, ठीक है ना, 25-25 नंबर के होंगे इसमें। और उसमें होगा क्या कि 25 में से 10 नंबर कम से कम आपको क्वालिफाई करना होगा, 10 नंबर आएगा तभी आप क्वालिफाई हो पाएंगे, ठीक है। हिंदी में भी 10 नंबर आपको लाने पड़ेंगे और अंग्रेजी में भी जो है वो टाइपिंग टेस्ट की अगर हम लोग बात करेंगे तो 25 में से 10 नंबर लाने पड़ेंगे दोस्तों। देखिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं स्टेनोग्राफर की,
तो देखिए दोस्तों, क्योंकि इसमें देखिए क्योंकि अब ब्लैक बोर्ड में जगह तो बचा नहीं है, तो अब हम लिखें तो कहाँ लिखें, है ना। तो इसीलिए दोस्तों इसको हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट में लिखे हैं, ठीक है ना, क्योंकि स्टेनोग्राफर की भी देखिए वैकेंसी जो है वो आने वाली है और इसमें जो है 1186 पोस्ट टोटल है, ठीक है ना। और अगर मान लीजिए हम लोग एलिजिबिलिटी की अगर हम लोग बात करेंगे तो ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पास, कोई भी ग्रेजुएशन बैचलर डिग्री होना चाहिए आपके पास सर्टिफिकेट, है ना। और उसके अलावा आपके पास ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी ट्रिपल सी है। उसके अलावा दोस्तों आगे हम लोग बात करेंगे तो शॉर्ट हैंड टाइपिंग होना चाहिए। अच्छा, अब देखिए बहुत सारे बच्चे जो है अब यही कहेंगे कि शॉर्ट हैंड टाइपिंग क्या होता है सर, तो देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, शॉर्ट हैंड टाइपिंग उसे कहते हैं जैसे कि अगर मान लीजिए काफ़ी लंबा वाक्य लिखा गया है, ठीक है ना, 80 वर्ड जो है वो लिखा गया है, तो उसे आप कंप्रेस करके कितने छोटे में लिख सकते हैं, कम से कम शब्दों में जो है उसे आप लिख सकते हैं, वो होता है शॉर्ट हैंड टाइपिंग, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको नहीं समझ में आता है तो गूगल पे आप सर्च कीजिएगा, आपको अच्छे तरीके से मालूम चल जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों देखिए कंप्यूटर टाइपिंग मांगा गया है 30 वर्ड प्रति मिनट, अंग्रेजी की अगर हम लोग बात करेंगे तो 30 वर्ड प्रति मिनट, हिंदी की बात करेंगे दोस्तों तो 25 वर्ड प्रति मिनट जो है आपको वो टाइपिंग आना चाहिए। क्यों, किस पोस्ट में, स्टेनोग्राफर की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो। सबसे अंत में दोस्तों हम लोग सैलरी की अगर बात कर लेते हैं तो देखिए ग्रुप बी की बेस पे हम लोग सैलरी की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो 25,000 रुपये शुरुआती सैलरी होगी। जी हाँ दोस्तों, 25,000 शुरुआती सैलरी होगी, क्योंकि देखिए इसमें महंगाई भत्ता भी जुड़ता है, ठीक है ना, 35% महंगाई भत्ता, अलाउंस वगैरह, HR वगैरह सब जुड़ करके कहीं ना कहीं शुरुआती सैलरी आपकी जो है वो 18,000 बताया जाता है, लेकिन ये सब महंगाई भत्ता, HR और अलाउंस वगैरह जुड़ करके जो है वो 25,000 यानी कि 25,000 रुपीज़ जो है वो शुरुआती सैलरी आपकी होगी दोस्तों। इलाहाबाद हाईकोर्ट के अलग अलग जो वेरियस पोस्ट आई हैं ग्रुप सी और ग्रुप डी के बारे में, अलग अलग पोस्ट पे जो वैकेंसी आई है दोस्तों, उसका डिटेल था। तो अगर मान लीजिए आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, है ना। अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं दोस्तों। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।